किसी ने मुस्लिम व्यक्ति ने किसी ने दान कर दिया तो इन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा बोर्ड लगा दिया, जो कि हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूँ हमारे हिंदू में ये सबसे बड़ी बहुत बड़ी गलती है कि हम मंदिर पर मुसलमानों को आमंत्रित कर रहे हैं, इस तरीके से हमारे मंदिरों पर घुस रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर ये इसी तरीके से ब्याह मैं दूंगा आगे से, मुसलमान पर लगवाएं तो सही अपने उस पर मस्जिद पर लगवाएं। मैं कहता हूँ इन्होंने 10,000 का दिया है, मैं 20,000 का देने का हकदार हूँ, मैं 20,000 दूंगा अगर झंडी लगवाएं मस्जिद पर। तो अलीगढ़ में थाना लोधा क्षेत्र के प्राचीन खेरेश्वर मंदिर परिसर में समाजवादी पार्टी के नेता सलमान शाहिद के नाम की पट्टिका लगी देख हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया और बुधवार को शिला पट्टिका को तोड़ दिया, जिसके बाद बृहस्पतिवार को एक बजरंगी कार्यकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तो वहीं हिंदूवादियों में आक्रोश पनप उठा और रामलीला ग्राउंड में एकत्रित होकर हंगामा करने लगे। बता दें कि 28 जून को समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ सलमान शाहिद ने ठंडे पानी की टंकी को लगवाया था, वहीं टंकी के बाहर अपने नाम की शिला पट्टिका भी लगवाई थी। इसकी भनक जब हिंदूवादियों को हुई तो मौके पर तमाम संगठन के कार्यकर्ता एकत्रित होने लगे। जब तक पुलिस या मंदिर समिति वहां पहुंच पाती तब तक विश्व हिंदू बजरंग दल के कार्यकर्ता करण कुमार अपने अन्य साथियों के साथ वहां पहुंचे और हथौड़े से पट्टिका को तोड़कर चकनाचूर कर दिया। मेरा नाम करण चौधरी है, सिंधु परिषद बजरंग दल प्रखंड सहमंत्री हूँ खैर से। साहब यहाँ पर पहले भी प्याऊ लगा हुआ था, किसने दान किया था पहले आरो वो नहीं निखाता, और आज ये किसी ने मुस्लिम व्यक्ति ने किसी ने दान कर दिया तो इन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा बोर्ड लगा दिया, जो कि हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूँ हमारे हिंदू में ये सबसे बड़ी बहुत बड़ी गलती है कि हम मंदिर पर मुसलमानों को आमंत्रित कर रहे हैं, इस तरीके से वो धीरे 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 हमारे मंदिरों पर घुस रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर ये इसी तरीके से ब्याह मैं दूंगा आगे से, मुसलमान पर लगवाएं तो सही अपने उस पर मस्जिद पर लगवाएं। मैं कहता हूँ इन्होंने 10,000 का दिया है, मैं 20,000 का देने का हकदार हूँ, मैं 20,000 दूंगा अगर झंडी लगवाएं मस्जिद पर, तो अगर मैं भगवा कलर लगवाएं झंडी, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो और नहीं तो इस तरह की बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी एक्टिविटीज़, कोई भी ऐसी हरकत नहीं करी जाएगी जिससे ये मुसलमान व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो मंदिर पर आके, आपने सुना होगा इससे पहले भी एक हरकत हुई है जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारे यहाँ पुराणों में कहा है अष्टादश पुराणेशु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों का निचोड़ केवल यही है कि शरीर के माध्यम से किसी का हित हो जाए इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, इस शरीर के माध्यम से किसी का आहित हो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। तो ये धार्मिक स्थल है और ये अलीगढ़ शहर नहीं अलीगढ़ मंडल का एक प्रसिद्ध स्थान है। इस स्थान पर कोई भी व्यक्ति आकर के जो परोपकार की भावना के तहत एक जनमानस के काम करता है वो तहे दिल से स्वागत का या धन्यवाद का या आशीर्वाद का वो पात्र होता है। तो सलमान साहिद ने एक नेक काम किया कि ऐसी तपतपाती धूप में जो कि जल की एक व्यवस्था की, यहाँ ठंडे जल को और शुद्ध पवित्र जल पी करके लोग मस्त रहेंगे क्योंकि जल की ही आवश्यकता है इस समय। अब दूसरी जो आवश्यकता होने लगी है वो श्वास की माने ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो जल की भी आवश्यकता और फिर वृक्षारोपण की भी आवश्यकता है, ये दोनों काम सलमान साहिद कर रहे हैं। तो खेरेश्वर धाम समिति की तरफ से, अध्यक्ष जी की तरफ से, हम सब लोगों की तरफ से इनको बहुत सारा आशीर्वाद और भगवान भोलेनाथ इनके ऊपर ऐसी असीम कृपा करें कि उनकी मनोकामनाएँ हों वो पूर्ण। देखिए खेरेश्वर महादेव मंदिर जो है हमारे अलीगढ़ मंडल में आस्था का प्रमुख केंद्र है, हम भी उस मंदिर में आस्था रखते हैं। वहाँ पानी का भीषण संकट था, उसी को देखते हुए हमने मंदिर समिति से और मंदिर के जो महंत हैं उनसे वार्ता कर एक वहाँ प्योरीफाई वाटर कूलर लगवाया था, जिसका लोकार्पण स्वामी पूर्णानंद पुरी जी महाराज ने किया था। मंदिर समिति के सभी लोग मौजूद थे, कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, लोगों ने बहुत सराहना की उस कार्य की और आज आपके माध्यम से मुझको पता चला कि शिला पट्टिका तोड़ दी गई है। तो मेरा आपके माध्यम से कहना है कि मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की सोच पर काम करता हूं। हम लोग जोड़ने पर विश्वास करते हैं, तोड़ने पर विश्वास नहीं करते। हम समाज को जोड़ने का काम निरंतर करते रहेंगे, कोई क्या कर रहा है हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हम भविष्य में कोई भी मंदिर समिति,
कोई भी गुरुद्वारा समिति, कोई भी मस्जिद समिति, कोई भी चर्च समिति हमसे जो भी सहयोग मांगेगी हम दिल खोलकर उसका सहयोग करेंगे। तो आगे भी मंदिरों में जिस तरीके से हिंदूवादियों ने कहा है कि कोई भी मस्जिद मंदिरों में मतलब मुस्लिम नेताओं का हस्तक्षेप नहीं होने दिया है, तो क्या मतलब अपना मंदिरों में जाकर फिर दोबारा कुछ यदि मुझसे कोई भी मंदिर समिति सहयोग की कहती है, ये भी मैंने मंदिर समिति के कहने से इस काम को किया था, यदि मुझसे कोई भी मंदिर समिति किसी भी तरह के सहयोग के लिए कहती है तो मैं भविष्य में करता रहूँगा। कोई क्या कहता है मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम समाजवादी लोग हैं, हम काम करने पर विश्वास करते हैं और काम करते रहेंगे। थोड़ी गई है, क्या क्या मानते हैं? चूँकि चुनाव नज़दीक है, जो लोग तोड़ने पर विश्वास करते हैं वो इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं। हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, हम सभी धर्मों को, सभी वर्गों को मानने वाले लोग हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हमने कभी भी जाति धर्म पूछकर किसी की मदद नहीं की, किसी का काम नहीं किया। पिछले साल जब कोरोना काल चल रहा था तब भी तकरीबन 50 से 55 हज़ार परिवारों की हमने मदद की, उसमें 25 से 30 परिवार हिंदू भाइयों के थे। मैंने राम मंदिर और राम घराने पर बैठकर हिंदू भाइयों को राशन दिया, मदरसों में और मुस्लिम बस्तियों में जाकर मुस्लिम भाइयों को राशन दिया, तो मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेरा काम समाज सेवा का है मैं उस काम को बदस्तूर जारी रखूँगा। किसके द्वारा तोड़ी गई है, किसके द्वारा तोड़ी गई है मुझे नहीं पता, मुझे तो आपके माध्यम से अभी पता चला है, मैं पता कराऊँगा। और जिसने भी ऐसा किया है ये समाज को बांटने वाला कार्य है और ये उनकी सोच है, मेरी सोच समाज को जोड़ने की है, मैं इस पर काम करता रहा। हंगामे की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल के साथ सीओ गबाना मौके पर पहुंचे और मामले को संभाला। बजरंग दल के करण चौधरी ने कहा कि जब मुस्लिम नाम की पट्टी का मंदिर में लगवाई जा सकती है तो मस्जिद में भी भगवा झंडी क्यों नहीं लगवाई जा सकती। टाइम 24 न्यूज के लिए अलीगढ़ से अदनान खान की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।